SAIL यानी सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो, इसमें वैकेंसी आ चुकी है। बहुत लंबे समय से इसके स्टूडेंट वेट करते हैं इस वैकेंसी का, और ये वैकेंसी आ चुकी है तो इंतज़ार हुआ ख़त्म, अब अप्लाई करने का समय आ गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसमें एज क्राइटेरिया होने वाला है, और साथ ही क्या इसमें फ़ीस लगने वाली है। दोस्तों सिर्फ ये 5-7 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसी वीडियो को देख कर ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, आप पूरी वीडियो स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं इस इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो एप्लीकेशन आपकी जो स्टार्ट हो रही है ये 4 नवंबर से स्टार्ट होगी, और इस एप्लीकेशन में जो लास्ट डेट दी गई है वो 25 नवंबर की दी गई है, यानी 25 नवंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, उसके बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की कोई डेट अभी नहीं दी हुई है, इसके लिए आपको आयोग की वेबसाइट विजिट करनी होगी, और जो है तब आपको पता चलेगा। तो उसको रेगुलरली विजिट करते रहिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपने इस चैनल पे हम इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आते हैं, और जब इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे तो उसकी भी हम वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। और एप्लीकेशन फ़ीस की क्या इसमें फ़ीस क्राइटेरिया होने वाला है, तो जर्नल OBC और EWS की ₹300 फीस इसमें लगने वाली है, यानी इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन होते हैं उनके लिए 300 है। SC ST इनकी ₹100 फीस होने वाली है, और फिजिकल हैंडीकैप चाहे वो किसी भी स्टेट से बिलोंग करता हो उसकी ₹100 फीस इसमें लगेगी। तो इस प्रकार से इसमें फीस क्राइटेरिया है, बहुत मिनिमम फीस है, आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट डिसाइड की गई है आयोग के द्वारा वो 1/5/2023 से काउंट होगी, यानी 1 मई से एज काउंट इन्होंने की हुई है। तो उसके हिसाब से जो मिनिमम एज है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, बट जहां भी मिनिमम एज दी होती है कम से कम 16 साल से स्टार्टिंग होती है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनिमम एज 16 साल से स्टार्ट होती है। 15 साल का भी व्यक्ति भर सकता है, परंतु उस केस में ऐसा होता है कि कुछ उसकी क्वालिफिकेशन कम्प्लीट ना हुई हो, तो वो उस केस में नहीं फॉर्म को भर पाता है। तो इस वजह से आप 16 से 28 साल इसको मान के चलिए, यदि आपकी क्वालिफिकेशन 15 साल की एज में कंप्लीट हो गई है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं। इसके अलावा जो है एज रिलैक्सेशन का भी इसमें प्रावधान है, जो कि आपको दिया जाएगा जिस भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं और जितना भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलना है। अब बात कर ली जाए इसमें क्राइटेरिया की कि आपको आपके लिए क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रखा गया है, और इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ क्या मांगी गई है। क्लास 10th जो है इसमें मांगी गई है एग्जामिनेशन कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, यानी आपके पास क्लास 10th पास होना चाहिए, और उसके साथ ही NAC यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और तभी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ फिजिकल स्ट्रेंथ भी मांगी गई है, मेल की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर मांगी गई है, और फीमेल की जो हाइट है वो आपकी 143 सेंटीमीटर मांगी गई है। तो इस प्रकार से अगर आपकी 155 हाइट है तो ही इस फॉर्म को भरें, और फीमेल के केस में 143 है तो ही इसके इस फॉर्म को फिल करें। बात की जाए इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, तो 85 इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, अपने आप में अच्छी खासी सीटें हैं। बात कर लें कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट इसमें दी हुई हैं, तो इसमें जर्नल के लिए 35 सीटें हैं, और OBC कैटेगरी के लिए इसमें 10 सीटें हैं, EWS के लिए 8 सीटें हैं, SC के लिए 10 हैं, और ST के लिए 22 सीटें हैं, और टोटल नंबर ऑफ सीट 85 इसमें दी हुई हैं। ये पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की। तो इस वैकेंसी से जुड़े हमने सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी क्राइटेरियाज थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको बताएंगे और उसका भी रिप्लाई आपको देंगे। पर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर आते हैं अपने चैनल पर। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।